में रोजाना आ रहे 40,000 से ज्यादा मामले। सपा के मुख्य मुकाबला मानकर यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, विकास व राष्ट्रवाद ही चुनावी रणनीति का आधार। दिल्ली NCR में आज भी हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर PM मोदी से मुकाबला करेंगे CM नीतीश, मांगेंगे मिलने का समय। अमित शाह की एंट्री का दिखने लगा असर, अब मिजोरम सांसद के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेगी असम पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं DB भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले में सोच को घर से निकली एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल रहा एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। आपको बताते चलें, पीपरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी शाम को घर से सोच के लिए खेतों की तरफ गई थी, जहां पर पहले से घात लगाए बैठे तीन युवकों ने किशोरी का हाथ पैर बांधकर अगवा कर लिया और पास के एक चरी के खेत में ले गए। वहां पर खुशू नाम के युवक ने किशोरी के साथ जबरन रेप किया। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर तीनों युवक मौके से फरार हो गए। चीखने की आवाज सुनकर आसपास रहे लोग मौका ए वारदात पर पहुंचे तो सन्न रह गए। उन्होंने पुलिस के साथ ही परिजनों को सूचना दी। जानकारी पर पीपरी पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के बयान के आधार पर मिट्ठू और अमला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी खुशू अभी भी फरार है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पिपरी थाना अंतर्गत ये गांव रेही गांव है, इसमें एक नाबालिग लड़की थी, वो शौच करने अपने गांव में गई थी खेत में। वहां उसी की जात के तीन लड़के जो है आए और उसको शौच के स्थान से ले जाकर थी चरी खेत में। उसमें से एक ने जो है उसके साथ रेप किया और शेष दो ने सहयोग किया। इस संबंध में मुकदमा कायम कर लिया गया है थाने में, दो की गिरफ्तार कर लिया गया, तीसरे की गिरफ्तारी के लिए जो है पार्टनर रवाना है और मुकदमा दर्ज कर लिया करके अन्य कार्रवाई की जा रही है। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। जनपद एटा में अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचक को लेकर बूथ लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें 39 BLO अनुपस्थित पाए गए, जिसकी BRC और तहसील में प्रशिक्षण होना था लेकिन अनुपस्थिति के कारण उनका प्रशिक्षण नहीं पाया गया है। ऐसे कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। उप जिलाधिकारी अलीगंज सहायक निर्वाचक अधिकारी SP वर्मा ने बताया कि अनुपस्थिति BLO यदि सोमवार या मंगलवार को उपस्थित दर्ज नहीं करवाते हैं तो सभी अनुपस्थित BLO पर FIR दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। उसमें ऐसा है कि 103 अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर के प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से लगभग 98% कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनको BLO में लगाया गया है। मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता सूची के कार्य तथा डोर टू डोर सर्वे के लिए कुछ BLO हमारे उपस्थित नहीं हुए हैं। जो BLO उपस्थित नहीं हुए हैं उनकी संख्या 39 है। उनके विरुद्ध अगर वो अगले सोमवार या मंगल तक BRC में या तहसील अलीगंज में RK कार्यालय से संपर्क करके और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई की जाए। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा के कशवा फतेहाबाद क्षेत्र की एक कॉलोनी में बारिश के बाद तालाब का पानी घरों में भर गया है। लोगों को घरों के ऊपरी तल पर कैद होकर रहना पड़ रहा है। पानी के साथ घरों में अंदर सांप, कछुए और अन्य जातीय जानवर घुस रहे हैं। लोगों को जान का खतरा नजर आ रहा है। कुछ समय पहले ही लाखों रुपए खर्च कर तालाब की सफाई की गई थी। कस्बा फतेहाबाद क्षेत्र में न्यू हनुमान नगर के बाग कॉलोनी के अंदर बारिश के बाद तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में भर गया है। इस कॉलोनी क्षेत्र में करीब 60 परिवार रहते हैं और 300 से ज्यादा की आबादी है। लोग घुटनों तक भरे पानी के चलते घरों की ऊपरी मंजिल पर कैद होकर रह गए हैं। तालाब के पानी के साथ घरों में सांप और कछुए भी आ रहे हैं। महिला मंडल की अध्यक्ष लवली गुप्ता का कहना है कि यहां उनका घर है। उन्होंने कई बार चेयरमैन और SDM से शिकायत की है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, ये परेशानी तो पिछले 3 से 4 सालों से यही हो रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि गली का हाल इतना बुरा है
कि हम लोग यहाँ से पैर घर से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, सभी लोग घर में कैद होकर रह गए हैं। हमारे पीछे जो एक तालाब है, उस तालाब की वजह से ये सारा कूड़ा यहाँ पर बहकर आ जाता है, पानियों से घर भरे हुए हैं। कई बार हमने इस वजह से शिकायत की है चेयरमैन से, और यहाँ का जो हमारा वार्ड का जो है सदस्य, उससे कई बार हम लोगों ने उससे आग्रह किया है, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं नाला बन रहा है, नाला बन रहा है, पता नहीं उनका नाला कब तक बनेगा। एक तरफ तो आप साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि साफ सफाई रखें, अभी कोरोना चल रहा है ये वो, लेकिन इस ऐसे पानी में आप बताइए कहाँ से तो हम साफ सफाई की व्यवस्था देखें और कैसे हम अपने घरों को स्वच्छ रखें। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ही कीटाणु हैं, आधे से ज्यादा इसमें कछुए चलते रहते हैं। ऐसे में आप कोरोना जैसी महामारी से कैसे मुक्त हो पाएंगे, ये तो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब ही बता पाएंगे। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों पर जिला प्रशासन की हुई बड़ी कार्यवाही। डीएम एटा ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव सहित उनके परिजनों के 7 शस्त्र निरस्त कर दिए हैं। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव व सपा के नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव समेत 7 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के पुत्र प्रमोद यादव के भी 3 लाइसेंस निरस्त किए हैं। शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद डीएम अंकिता अग्रवाल ने सभी शस्त्र लाइसेंसों को जमा कराया है। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां सपा संस्थापक सदस्य व वरिष्ठ सपा नेता स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सभी तहसील क्षेत्रों में साइकिल यात्रा की तैयारी के लिए सपा कार्यालय पर आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट व संचालक सपा जिला महासचिव जिया चौधरी ने किया। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता पंडित जनेश्वर मिश्र के योगदान को नमन करते हुए 5 अगस्त को उनके जन्मदिन पर सपा सरकार के दौरान ऐतिहासिक कार्यों योजनाओं की जानकारी देने व भाजपा सरकार के दौरान यूपी की बदहाली को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जनपद की सभी तहसील व विधानसभा क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ता साइकिल यात्रा चलाकर सपा सरकार बनाने की अपील करेंगे। सपा की साइकिल यात्रा को एकजुट होकर दमनकारी भाजपा सरकार को हटाने व सपा सरकार लाने की अपील की। 5 तारीख में जनेश्वर जी के दिन पर हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर सभी समाजवादी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, और खासकर हमारे पे जिम्मेदारी हमारे जनपद की है, जनपद में हर गाँव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में, और जो 2022 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणाएं की हैं और जो हमारी 2012 की सरकार की उपलब्धियां हैं, उन सबको जनता के बीच पहुंचाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि किस अगर हमारी 2022 में आपकी मोहब्बत प्यार से सरकार बनती है तो हम इस तरह का काम प्रदेश में विकास का करेंगे। और इन सरकारों ने, दिल्ली की और लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या जनता के विरोध में कार्य किए हैं, वो सारी जनता तक पहुँचाने का काम 5 तारीख में हमारे लोग करेंगे। हमने हर न्याय पंचायत के हिसाब से पूरे जनपद के 622 गांव, सब शहर कस्बों के कार्यक्रम बनाए हैं। हर गांव तक हमारा कार्यकर्ता साइकिल पर पहुंचेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश पहुंचाने का काम करेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।